उज्जवल मॉडल स्कूल में टीचिंग के प्रोफेशन में शानदार करियर बनाने का सुनहरा मौका। ज्यादा जानकारी के लिए एड में दी गई चीजों को ध्यान से पढ़ें और संपर्क करें दिए गए नंबरों पर, और आज ही अपने सीवी को भेजें दिए गए ईमेल एड्रेस पर। आज ही संपर्क करें एक सुनहरे भविष्य के लिए। लोकसभा सीट बलिया से घोषित प्रत्याशी वीरेन सिंह मस्त के प्रथम आगमन पर मस्त दिखा बलिया। आपको बता दें कि वीरेन सिंह वर्तमान सांसद भदोही के रहे हैं, जिन्हें बलिया के सांसद भरत सिंह का टिकट काटकर 2019 का पताका फहराने के लिए बलिया भेजा गया है। सातवें चरण के अंतिम दौर में आगामी 19 मई को बलिया में मतदान होगा। आपको बता दें कि गाजीपुर जिले के कठवा मोड़ से सुबह स्वागत जुलूस का आगाज हुआ। आप देख सकते हैं बलिया पहुंचते ही वीरेन सिंह मस्त का मंत्रोच्चार के साथ अभिनंदन कैसे हो रहा है, और यह जुलूस बलिया के बैरिया तिराहा तक पहुंचेगा। गंतव्य तक जाते जाते स्वागत का स्थल की बात करें तो 42 जगह स्वागत होगा। वीरेन सिंह मस्त की माने तो जन्मभूमि बलिया है तथा कर्मभूमि भदोही, लेकिन भृगु बाबा ने मुझे मातृभूमि पर बुलाया है। भाजपा प्रत्याशी वीरेन सिंह मस्त के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मस्ती में बोलने से बाज नहीं आए। साथ साथ चलते राष्ट्रीय तबके के पदाधिकारी के अनुसार गठबंधन जो हुआ है वो ठग। उन्होंने कहा कि भरत सिंह का टिकट कटा है, निश्चित दुखी होना लाजमी है, लेकिन सर्वे करके टिकट दिया गया है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाले को टिकट दिया गया है। जनता तुलना चुनाव में करेगी। गरीब का कल्याण, आतंकवाद का खात्मा ही मुख्य उद्देश्य है। वहीं एक तरफ बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को राजनीति का उन्होंने भूल बताया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाजपा किसान मोर्चा, ये यहाँ जिस तरीके से जुलूस आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग अपने वाहनों को लेके जुलूस में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जगह जगह मौके मौके पर नुक्कड़ और गली पर हजारों की संख्या में लोग मालाओं से स्वागत कर रहे हैं, फूलमालाओं की बरसात कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को, इससे स्पष्ट है ये सीट दोबारा से पुनः भारतीय जनता पार्टी खाते में जाएगी और वीरेंद्र सिंह मस्त यहाँ से ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त करेंगे? दूसरी तरफ एक ठगबंधन है, और मीडिया के बंधु, जब प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आता है तो मैं समझता हूँ गठबंधन का वो चेहरा आप नहीं लगाते हैं। आप अगर चेहरा लगाते हैं तो कांग्रेस के राहुल गांधी का लगाते हैं। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, देश के अंदर जहाँ एक तरफ बीजेपी के कमल के फूल के साथ नरेंद्र मोदी हैं, वहीं कांग्रेस में इस देश का प्रतिनिधित्व करने की जो सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस देश के सबसे बड़े फूल राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस राहुल गांधी हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाजपा किसान मोर्चा, ये यहाँ जिस तरीके से जुलूस आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग अपने वाहनों को लेके जुलूस में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जगह जगह मौके मौके पर नुक्कड़ और गली पर हजारों की संख्या में लोग मालाओं से स्वागत कर रहे हैं, फूलमालाओं की बरसात कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को, इससे स्पष्ट है ये सीट दोबारा से पुनः भारतीय जनता पार्टी खाते में जाएगी और वीरेंद्र सिंह मस्त यहाँ से ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त करेंगे? दूसरी तरफ एक ठगबंधन है, और मीडिया के बंधु, जब प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आता है तो मैं समझता हूँ गठबंधन का वो चेहरा आप नहीं लगाते हैं। आप अगर चेहरा लगाते हैं तो कांग्रेस के राहुल गांधी का लगाते हैं। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, देश के अंदर जहाँ एक तरफ बीजेपी के कमल के फूल के साथ नरेंद्र मोदी हैं, वहीं कांग्रेस में इस देश का प्रतिनिधित्व करने की जो सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस देश के सबसे बड़े फूल राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस राहुल गांधी हैं। इसमें जो तुलना करनी है वो जनता करेगी। जनमानस का विकास, गरीब का कल्याण, आतंकवाद का खात्मा, देश के अंदर भ्रष्टाचार पर नकेल, आतंकवादियों पर नकेल, पाकिस्तान पर नकेल, और एक तरफ भारत के टुकड़े होंगे अगेन, एक तरफ आतंकवादी पर हमला करने का विरोध, और एक तरफ अब्दुल मेनन के जनाजे में जाने के लिए तैयार विपक्ष, एक तरफ भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, एक तरफ सीबीआई की जांच में तमाम तरह के मुख्यमंत्री जिस तरीके से घिरे हुए हैं उनका ठगबंधन, दूसरी तरफ ईमानदारी, शिष्टाचार, आम जनमानस का विकास, और मोदी जी के नारे पर इस देश की जनता में चुनाव लड़ने का भाजपा पार्टी कर रही है। विपक्ष और पक्ष तय करना हम जनता को स्पष्ट दिखा।
अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।